हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए आज, <coughs> आज हमने जो बैंक निफ्टी की दिया था, हमने, भी का दिया था। और हमने बोला था अगर बड़ा अप होता है बैंक निफ्टी या निफ्टी तो आपको सेल करना चाहिए तो ये जो मूव है यहाँ पे अगर बड़ा अप होता तो सेल करते है निफ्टी में वो थोड़ा सा बना था

976 लेना था और फिर हमने 9880 हां 88890 ये जो लेवल है या ये लेवल से बाइंग भी दिया था कि अगर बाय चांस मार्केट आता है तो यहाँ से आपको बाइंग करनी है बाइंग बड़ी नहीं थी बट नॉट बैड ओके बैंक निफ्टी में भी सेम था अल्टीमेटली व्यू हमारा बुलिस था बट अगर आप एक चीज अगर देखोगे आज निफ्टी के अगर डेली कैंडल देखोगे एक जो चीज आपको दिखाई देगी आइडियली निफ्टी में लिटल बिट बिगर ग्रीन कैंडल राइट अगर आप यहाँ पे देखोगे एंड इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी को थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ए मारूगुजू कैंडल इफ यू लुक एट राइट बैंक निफ्टी की राइट एंड दैट इज द रीजन ग्रुप में जब लोगों ने बोला कि सी लेना है या पी बी टी एस टी लेना है मैंने लोगों को सी बी टी एस टी बोला दैट वॉज मच से

और स्टॉक्स के भी मैंने जो व्यू देते वो सब सही थे तो कल का जो व्यू है मार्केट मेरा भी जो व्यू था वेडनेसडे मैंने बोला था ग्रुप में कि ट्यूसडे वी आर पॉजिटिव वेडनेसडे हम गिराने की कोशिश करेंगे ये वेडनेसडे गिरेगा क्या ठीक है क्या रेड कैंडल बनेगा आइडियली वेडनेसडे मेरे हिसाब से एक रेड कैंडल बननी चाहिए या तो डोजी बननी चाहिए मिनिमम ओके या तो रेड कैंडल बनना चाहिए या डोजी बननी चाहिए आपको एक मारोबुजी टाइप है या एक सॉलिड ग्रीन कैंडल कल नहीं दिखना चाहिए दैट इज व्हाट माय व्यू इज ओके एंड उस केसेस में डोंट एक्सपेक्ट मार्केट को फॉल वेरी बिग ठीक है तो मतलब कल आपको दोनों तरफ की मूवमेंट देखने की पॉसिबिलिटीज है ओके okay? मार्केट में कल आपको दोनों तरफ की मूवमेंट पॉसिबिलिटीज है स्पेशली इन निफ्टी बैंक निफ्टी फिर भी डिरेक्शनल मार सकता है आज जैसे किया है उस तरह की डिरेक्शनल दे सकता है बट निफ्टी में यू हैव ए वेरी हाई चांस ऑफ गेटिंग पोजिशंस ऑन बोथ द साइड मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो अगर मैं आज ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे सबको पता है हम लोग ये आर वन आर टू कैसे ड्रॉ करते हैं मेरा कल का एक जो अपर लिमिट रहेगा वो थर्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का रहेगा बैंक निफ्टी में दैट मीन्स अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे जाता है और 11:30 तक ये क्रॉस नहीं कर पाता है आई वुड प्रोबली लाइक टू टेक ए सेल फ्रॉम दिस लेवल ओके 31,600 से एक सेल लेने की मैं कोशिश करूंगा अप टू दिस लेवल तक ओके इज अराउंड 350 पॉइंट्स। अगर यहाँ पे पहुंच जाता है और 11:30 तक ये क्रॉस नहीं कर पाता है तो देर इज अबिलिटी सेल फ्रॉम थर्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बट आई वुड पर्सनली वुड लाइक टू सी बैंक निफ्टी एट थर्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टू मॉरोचिंग देन फॉल ओके तो एक सीनारियो हमारी ये हो सकती है कि मॉर्निंग में ये फ्लैट ओपनिंग करे या पॉजिटिव ओपनिंग करे ऊपर जाए और फिर नीचे आए और फिर यहाँ पे क्लोजिंग करे हो गई डोजी आपकी ओके आई एम एक्सपेक्टिंग डोजी एनी और ए लिटिल बिट रेड कैंडल आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ए ग्रीन कैंडल टूमोरो आई मे बी रॉन्ग बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ओके सेकेंड सीनारियो मार्केट यहां पर सीधा गैपअप ओपन करे अगर यहां पर गैपअप ओपन करता है

उसके भी मैं थर्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का ही टारगेट रखूंगा यहाँ से ओके, क्या होगा कि ये गैप अप हुआ और ऊपर चला गया अगर ऊपर चला गया तो मैं नाइन फोर्टी फाइव के बाद ट्रेड चालू करूंगा ओके नाइन फोर्टी फाइव के बाद ट्रेड चालू करूंगा और ये थर्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के ऊपर अगर जाता है तो मैं बाई करूंगा अपटू थर्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड एटीन टू हंड्रेड पॉइंट ये रेंज जो है R2, मैं अगर ये आर वन के ऊपर ओपन होता है तो मैं नाइन फोर्टी करूंगा जब तक ये नहीं करता क्योंकि पॉसिबिलिटीज ये मार्केट बड़ा ग्रीन दे दे और फिर यहाँ पे स्ट्रगल करे एंड सेम सिनारी है फॉल डाउन फ्रॉम थर्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट साल तो मेरे लिए कल एक बड़ी रेजिस्टेंस जो हो जाती हो, ही है ओके okay? तक अगर ये क्रॉस कर देता है तो फिर से हम सेल करेंगे यहां से सेल आएगी, तो अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव ओपन होता है ओके okay? नेगेटिव ओपन होता है तो नाइन थर्टी नाइन फोर्टी फाइव तक वेट करो ये ट्रेन लाइन को ब्रेक करने के लिए अगर इसने ब्रेक किया या आएगा यहाँ पे सपोर्ट लेगा और फिर यहां से आके फॉल आके यहाँ तक थर्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड तक आने की पॉसिबिलिटी बट डू नॉट इग्नोर दिस ओके उस केस में आपको सेल ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे सेल लेना है आपको अदरवाइज नहीं ठीक है सो दीज आर द ओनली थ्री टू फोर ट्रेड्स ऑन विच आई विल ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी टूमोरो जो है कल का यहाँ से थर्टीडी थ्री हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट अगर ये सिनारियो बन जाता है तो मेरी रेंज बन जाती है थर्टीडी टू थर्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड विच इज अगेन थ्री हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट्रेड फिफ्टी पॉइंट डाउन साइड थ्रीडी पॉइंट अप साइड दिस इग्नोर एट these are the three scenarios on which i will trade my view is market should make a doji or little bit of red candle tomorrow not big okay that is bank nifty guys nifty mein maine already pehle bola tha ek level 14050 ka आज मैंने बोला था कि शायद 14,000 टच कर दे but जब मार्केट यहाँ पे था मैंने बोला 14,000 आज टच नहीं होगा Probably कल टच करने की पॉसिबिलिटीज है okay? तो फोर्टीन थाउजेंड जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है ठीक ठीक है, है, है है, है? है, है एक तो का का हमारा साइकोलॉजी लेवल और है, उसके ऊपर कल जा पाएगा नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे को ये रेंज से आप सेल लेने की ट्राई करना विच इज फोर्टीन थाउजेंड टू फोर्टीन थाउजेंड ट्वेंटी ये वाला जो, जो जोन है मार्केट अगर यहाँ पे पहुंचता है आपको प्राइस एक्शन ऐसे रेड वाले दिखाता है दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन आप यहाँ पे एक सेल लेने की कोशिश करना करो ओके लॉस ठीक है उस केस में ये मिनिमम 960 तक आएगा एंड देन 922 देखो तो निफ्टी में कल दो दो चांसेस है या तो निफ्टी हैवीली दोनों साइड मूव देगा जैसे यहाँ ओपन हुआ ऊपर गया यहाँ नीचे यहाँ क्लोज कर दिया डोजी ठीक है ये एक सिनारियो है या तो निफ्टी सिनारियो टू है जो फ्लैट में पॉसिबल है कि निफ्टी पूरा फ्लैट ही ओपन हो जाए पूरा फ्लैट और थर्टीन से मेरे को बाइंग दे और धीरे 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 बाइंग करके ये 14,000 तक पहुंचे ओके सो दीज आर द टू ट्रेड्स ऑन द पॉजिटिव साइड इन विच आई विल ट्रेड निफ्टी टूमोरो सिनारियो थ्री जो हम इग्नोर नहीं करेंगे बाई चांस अगर बैंक निफ्टी

tomorrow and bank Nifty थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी टूमोरियो छोड़ दो तो नॉट बिलोटी देखो एच डी एफ सी already uh, breakout दिया है ज्यादा से ज्यादा डोजी बनाने की पॉसिबिलिटीज है रिलायंस का भरोसा नहीं है रिलायंस अगर कल गिर गया तो निफ्टी को गिराएगा नहीं तो नहीं गिरेगा डोजी बन जाएगा ठीक है ओनली चांस वेर इट कैन एक्चुअली गिव यू लिटिल बिट ऑफ स्टॉक ऑन द डाउन साइड एक्सिस बैंक को ठीक है ये वैसे ये मेरा बाइंग में है बट इट माइड गिव यू उसको खाली देखना है एक्सिस बैंक ऑल्सो रिटेस्ट करेगा ब्रेकआउट पे है कोटैक बैंड फर्स्ट टाइम थोड़ा वीक दिख रहा है कल डोजी बनाने की पॉसिबिलिटीज है एच डी एफ सी बैंक इज ऑल्सो डोजी ओनली थिंग दैट यू आर द टू थिंग्स टूम एंड एच डी एफ सी बैंक इफ यू आर ऑन सेल ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाकी स्टॉक्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे ठीक है दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड बाकी जो है कल हम लाइव में देखेंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच जय माता दी गुड नाइट